तो गाइज आज हमने ऑनलाइन ये मिल्क फ्रोथर मंगाया है जो कि इलेक्ट्रिक है ये और बहुत ही हमारे काम आने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में कैफे में हमें झाग वाली कॉफ़ी मिलती है या चाय मिलती है, तो वही चीज़ हमने मंगाया है। इस फ्रोथर से हम ऐसी मतलब कॉफ़ी वगैरह और चाय वगैरह बना सकते हैं। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि हमारा ये फ्रोथर कैसा आया है। आप देख सकते हैं तो हम इसको अच्छे से पहले खोल लेते हैं। बहुत ही इसकी मजबूती से पैकिंग की गई है और ये हमारे बहुत ही काम आने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि फ्रेंड आप देखते हैं, कुछ लोग जानते नहीं हैं कैसे किस तरीके से कॉफ़ी वगैरह में चाय में झाग आता है और वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमने मंगाया है। इसलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कि आप सबको पता चले ये इलेक्ट्रिक फ्रोथर। तो चलिए अब हम इसको भी खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्राउन कलर का आया है और इसका ये स्टेनलेस स्टील का है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से की गई है और ऑनलाइन हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है ऑनलाइन, तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगाती हूँ प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मेहनत से खुल रहा है। ये देखिए इसका पूरा, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही हल्का है और बहुत ही यूजफुल है ये। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और आपको मैं इसे यूज करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें स्विच दिए गए हैं, तो इस स्विच से इसको आप ऐसे नीचे को करेंगे स्विच को तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा, और ये देखिए ऊपर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही हल्का यूजफुल है किचन के लिए हमारे। और बाकी आप ये देख सकते हैं, तो गाइज आप देख सकते हैं ये हमें इसको, ये आप प्लग इसका देख सकते हैं, इसके अंदर सेल पड़ेंगे घड़ी वाले जो हम घड़ी में लगाते हैं वही वाले सेल पड़ेंगे। दो सेल इसमें आप डाल सकते हैं, दो सेल डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं और इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ये यहाँ से इसको आप बटन से चालू कर सकते हैं इसे, और इससे हम एग वगैरह अंडे जैसे हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं आप चम्मच से उसे फेंकते हैं और उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये, और कॉफ़ी के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। झाग वाली कॉफ़ी बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छी लगती है उन्हें देखने में और हमें भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसको झटपट इस विस्कर से बना सकते हैं ये, और मिल्क भी आप इससे फेंट सकते हैं जिससे कि मिल्क में भी झाग आ जाएगा, और दही वगैरह जैसे हम लस्सी बनाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये। और आप जैसे ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए बहुत ही देर लगती है चम्मच से, वो उसमें झाग नहीं आता है, तो आप इससे वो भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें फ्रोथर में मैंने सेल दो मंगाए हैं और वो डाल लिए हैं। अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा ये स्विच है, तो इसको हमें इस तरीके से चालू करना है। और ये मैंने कॉफ़ी बना ली थी तो कॉफ़ी को हम सेक कर लेंगे ऐसे। ये देखिए आपको इसे गरम कॉफ़ी लेनी है, गरम दूध या गरम कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ठंडे में ये वो नहीं होगा, झाग नहीं बनाएगा ये। और आपको इसे 10 से 15 सेकंड तक चलाना है। आप देख सकते हैं झाग बना रहा है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे झाग बन गई है कॉफ़ी में। ये देखिए जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं ऐसे, तो इस तरीके से झाग वाली कॉफ़ी हमें मिलती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये फेंटने के लिए बहुत ही बढ़िया है झाग बनाने के लिए कॉफ़ी। और ये देखिए ये मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया कॉफ़ी में। ये देखिए आप कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस इसका प्राइस हमें 250 रुपये पड़ा है अमेजोन से। और अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो मैं विस्कर जो है, तो आप इसको जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। वहाँ पर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, आप वहाँ जाकर इसको मंगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो या अनबॉक्सिंग की अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन की दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलना।